नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल। जी हां, तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली से मोहाली लेकर जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोका। कुरुक्षेत्र में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बग्गा को वापस दिल्ली के लिए ले जाया गया। इस बीच पंजाब पुलिस पर दिल्ली में अपहरण की एफआईआर भी दर्ज हो गई। तेजिंदर सिंह बग्गा को मोहाली जिला अदालत में आज 1 बजे पेश किया जाना था, लेकिन इस हंगामे के बीच उनकी पेशी पर सवाल खड़े हो गए हैं। मोहाली पुलिस ने तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ साइबर सेल में मामला दर्ज किया था। इसी मामले में आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। आज केजरीवाल का असली चरित्र और चेहरा सामने आ गया। मुझे ध्यान है कि पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली में एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा था, जब पत्रकार ने पूछा कि आप को लोग सोशल मीडिया पर बहुत सवाल उठाते हैं, तो केजरीवाल ने जवाब दिया था कि जिस दिन हमारे पास पुलिस आ जाएगी उस दिन हम बता देंगे और हम इन लोगों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई करेंगे। और आज वही काम पंजाब पुलिस के द्वारा केजरीवाल करा रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही नहीं, जो जो राजनीतिक दल या जो स्वतंत्र विचार व्यक्त करते हैं केजरीवाल से सवाल खड़ा करते हैं उनको नोटिस पहुंच जा रहा पंजाब पुलिस का, उनके ऊपर पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो है तूफान भयंकर सुनामी का रूप धारण करेगा। वैसे तो मौसम की दृष्टि से देखोगे तो मुझे लगता है ठीक रहेगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो एहसास सत्ता पक्ष को भी हो चुका है और उनके साथ मिले हुए विपक्ष को भी हो चुका है। जो साठ गांठ और मिली भगत से राजनीति करते आए हैं लोग, पिछले जब से हरियाणा बना है, तो मुझे लगता है कि अब लोग उस नापाक रिश्ते को पहचान चुके हैं।